आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 24 नवंबर की श्रीवरदान की। व्यर्थ संकल्प बहुत हमारा समय ले लेते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, कब हुआ, अब क्या करेंगे, और ये सारे प्रश्न जो होते हैं ये सारे का सारा हमारा समय लेते हैं, वेस्ट में चले जाते हैं। और ज़्यादातर ये तब होते हैं जब हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे होते हैं, या हमने किसी के बारे में बुरा सुन लिया होता है, या हमने किसी की एक्टिविटीज़ को देख लिया होता है जो कि कर्मों में सही मायने में नहीं है, राइट तरीके से नहीं करे जा रहे हैं। और जब हम उसके बारे में सुनते हैं या उसके बारे में गॉसिप करते हैं सिंपल टर्म्स में, तो जा करके वो व्यर्थ में चले जाते हैं। हमारा समय भी वेस्ट हो जाता है। सबसे पहले हम आत्माओं के मन की पवित्रता खत्म हो जाती है, क्योंकि आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं और नेगेटिव सोच रहे हैं, उसके नेगेटिव ट्रेट्स देख रहे हैं। और साथ ही साथ सबसे मुख्य जो सारे शास्त्रों में लिखा है कि हमें श्वासों श्वास परमात्मा को याद करना है, घड़ी घड़ी परमात्मा को याद करना है कलयुग में, क्योंकि हर श्वास ही डिसाइड करेगी कि हमारे अंदर प्योरिटी है कि इम्प्योरिटी है। तो आप सोचिए, अगर आप व्यर्थ संकल्प कर रहे हैं दिन भर, तो आपने परमात्मा को कितना याद किया, किसने क्या किया, उसने क्या किया। और हमारे ज़्यादातर संकल्प चलते हैं धन के इर्द गिर्द, अपने लौकिक चीज़ों के इर्द गिर्द, संबंधों के इर्द गिर्द, उसने क्या किया, उसका क्या हुआ, उस संबंधी का क्या हुआ। परमात्मा कहते हैं आप कितना समय वेस्ट कर रहे हो, आप पता में नहीं आप क्या कर रहे हो, एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि नॉलेजफुल बन, नॉलेज ये चीज़ की समझ लेकर के बन, व्यर्थ को समझने कि ये व्यर्थ बातें हो रही हैं, व्यर्थ बातों में क्या किया जाएगा, जैसे हमने कहा क्यों क्या कैसे, औरों की गलतियाँ देखना, औरों की गलतियों का वर्णन करना, औरों के अंदर की गलतियों को औरों को फैलाना, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, उसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों बोला, ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे करते तो वैसा होता, ऐसे करते तो ऐसा होता। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना रोल है। मुझे अपनी स्क्रिप्ट देखनी है, मुझे अपना रोल प्ले करना है। और अगर मैं औरों का रोल देखूंगा तो फिर मैं अपनी एक्टिंग कब करूँगा, दैट मीन्स टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर एक्टर दूसरे की सुनते का स्क्रिप्ट और अपनी स्क्रिप्ट को याद नहीं करके और अपने स्क्रिप्ट पर ध्यान नहीं देगा, तो उसका कितना समय वेस्ट होगा, उसको लोग अच्छा एक्टर नहीं मानेंगे, राइट। उसको आगे जा करके और अनुभव नहीं होगा, और साथ ही साथ वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पे भी वही है, आप सब एक्टर्स हैं, लेकिन हम ज़्यादातर टाइम औरों की एक्टिंग को देखते हैं। कभी हम हीरो की एक्टिंग को देख करके बहुत प्रभावित हो जाते हैं, कभी विलन की एक्टिंग को देख करके हम बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, या फिर हम सैड हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं हैं, ये दोनों भाव ठीक नहीं हैं, एक समान स्थिति होनी चाहिए। ना किसी के अभाव में आना, ना किसी के प्रभाव में आना, ना किसी से गुस्सा होना और ना किसी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। क्योंकि एक्टर को अगर अपनी एक्टिंग देखनी है, अपनी स्क्रिप्ट याद रखनी है, तो दूसरों से कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। बल्कि हाँ, उसके जैसे एक्टिंग करने वाला हो सकता है, लेकिन किसी का फैन नहीं बन सकता। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि नॉलेज विल बन, व्यर्थ को समझने, मिटाने और परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भव। पहले समझना क्या है व्यर्थ, समझा, फिर उसको मिटाएं कैसे, दूसरी बात, और फिर उसको परिवर्तन कैसे करें। तो परमात्मा कहते हैं नेचुरल योगी बनने के लिए कि हाँ, मेरी सदा परमात्मा से मेरी तार जुड़ी रहे, मेरा उनसे संकल्प, मेरे वार्तालाप होते रहे परमात्मा से, बनने के लिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखो। इसके लिए नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनो। पावरफुल मतलब क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक पावरफुल है तो क्या होती है, आपने जैसी ब्रेक दबाई वैसी वो गाड़ी रुक गई वहां पर। तो पावरफुल मतलब कि आपने सोचा किसी के नेगेटिव संकल्प के बारे में, फटाफट आपने बोला नहीं, परम ये नहीं सोचना है, ये सोचने से तुम्हारा समय वेस्ट हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, तुम्हारे मन अपवित्र हो रहा है, तुम्हारे परमात्मा से कनेक्शन टूट रहा है। इमीडिएटली स्टॉप करना अपने आप को। ये तब आएगा जब परमात्मा से फीलिंग्स जुड़ी होंगी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये सोचना रॉन्ग है, ये बोलना रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं, लेकिन अंदर वह समाओ नहीं। आपने किसी को देखा, किसी की आदत को देखा, वो अच्छी नहीं लगी आपको आदत, और आपने फिर क्या किया, उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, ये तो ठीक नहीं किया उन्होंने, ये तो अच्छा नहीं किया उन्होंने। परमात्मा कहते हैं इसके इसको रटो मत इन चीज़ों को, क्योंकि अगर रटते रहोगे तो ये आपकी आँखों से और आपके कानों से, ये आपका क्या है, ब्लूटूथ है। यस, आपकी आँखें आपका ब्लूटूथ है, ये आपका वाईफाई है, फटाफट ये वाईफाई ब्लूटूथ से आपके अंदर इन्फॉर्मेशन घुस जाती है, और इतनी तेज़ घुसती है कि आपको पता नहीं चलता है। आपका क्वारंटाइन भी नहीं अगर आपने रखा हो,
आपके अंदर ताकतवर एंटीवायरस नहीं है जो कि डिटेक्ट कर पाए कि आप वेस्ट थॉट्स को देख रहे हो या सोच रहे हो या सुन रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपके मन के अंदर घुस जाएंगे और वायरस जैसे अंदर पनप जाएंगे। फिर आदत बन जाती है गलत देखने की, गलत सुनने की, गलत सोचने की, गलत बोलने की, तो समय वेस्ट होता है और परमात्मा से कनेक्शन टूट जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भले नॉलेज के आधार पर समझते हो कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वह समाव नहीं। ज्ञान अर्थात समझ, और समझदार उसको कहा जाता है जिसे समझना भी आता हो कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। आपको पता है, आप देख रहे हो लेकिन आप इग्नोर नहीं कर रहे हो, आपको पता है क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। मिटाना सेकंड चीज क्या आता है, वो अंदर घुस ना जाए, उस फाइल को वहीं पर रिपेयर कर देना, उस फाइल को वहीं पर मिटा देना, डिलीट कर देना, वायरस को वही कर देना फटाफट। तो वैसे ही फाइल को मिटा देना कि ये सोचना नहीं बस हो जाए, परमात्मा की सोचो, उनका भला हो। और परिवर्तन करना, परिवर्तन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको धुआं देना शुरू कर दो, जिसके बारे में आपने गलत देखा फटाफट आप उसके बारे में पॉजिटिव संकल्प करना शुरू कर दो कि इसके जीवन में परमात्मा से इसका मिलन हो, परमात्मा के सारे ज्ञान की चीज़ें उसको समझ आएँ, ये व्यर्थ से मुक्त हो जाए आत्मा, सबके बारे में अच्छा सोचे, सबके अंदर अच्छा देखे और सबके बारे में अच्छा वर्णन करे। ये तो चीज़ें चाहते ना आप, और इसके अंदर ये आदतें खत्म होकर के अच्छी आदतें बन जाए। ये परिवर्तन करना अपने अंदर ही, आपने उस फाइल को क्या कर दिया, क्वारंटाइन कर दिया, उसके अंदर के वायरस को खत्म कर दिया, फाइल को रिपेयर कर दिया आपने। तो जब व्यर्थ प्रवृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो तब कहेंगे नेचुरल योगी। तो जब व्यर्थ वृत्ति एटीट्यूड, व्यर्थ वाइब्रेशन स्वाहा करो, हमारे अंदर जो हम क्रिएट कर रहे हैं वाइब्रेशन किसके बारे में नेगेटिव करो, तब कहेंगे नेचुरल योगी। तो जितना फटाफट कर पाओगे उतना आपका मेडिटेशन अच्छा लगेगा। और ये होगा कैसे, सारी चीज़ तो आपको ब्रह्मा कुमारी में सिखाई जाती है, यानी वहाँ पर जाकर के आप 7 days का कोर्स करें और इन चीज़ों को आप अच्छे से गहराई से समझें। इसके साथ ओम शांति।